यह रेडियो कश्मीर जम्मू है, अनवर चौधरी ते खबर सुनो। पंचायती चुनावों का पहला मरला की पोलिंग पूरी रियासत में 3296 पोलिंग मरकजों पर जारी है, जिनमें 1303 पोलिंग मरकज आबादी कश्मीर में है और 1993 पोलिंग मरकज सुबह जम्मू में है। वोट कलम को अमल सवेरे 8 बजे तो शुरू हो गयो थो, जिड़ो के बाद दोपहर 2 बजे तोड़ी जारी रहेगो। इस मरला में 5585 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जिड़ा के 420 सरपंच की नशिस्तों वास्ते और 1845 पंच नशिस्तों वास्ते हैं। 85 सरपंच ते 1676 पंच पहले तो ही बिला मुकाबला कामयाब करा दिता गया है। 687 पोलिंग मरकज इंतहाई हिसास करार दिता गया है, जिनमें 492 वादी कश्मीर में है और 196 सुबह जम्मू में है। जिन इलाकों में पोलिंग हो रही है उत 445,000 ते 8 वोटर सरपंच की नशिस्तों पर उम्मीदवारों को फैसलो करेगा, जबकि 272,700 ते 92 वोटर पंच हल्कों को फैसलो करेगा। तमामतर पोलिंग मरकजों पर बुनियादी सहूलियत मुहैया करवाई गई है और वोटरों में पहला तो ही फोटो वोटर फहरिस्त मुहैया करवाई गई है। सरकार का सीनियर अफसर ना बतौर निगरान मुकर्र की होगी है, ताजे पोलिंग साफ शफाफ तरीका नाल करवाई जा सके और हिफाजती बंदोबस्त भी सख्त किया गया है। जम्मू सूबा में 7 जिला में वोट कर ले जा रहे हैं और ये चुनाव पार्टी बुनियादों पर नहीं हो रहे हैं। वोटों की गिनती वोट कलन तो बाद फौरी तौर शुरू हो जाएगी। आला चुनाव अफसर जनाब शालीन काबरा ने रियासत में पंचायती चुनाव 9 मरहला में करवाने को फैसलो किया है। वाजर है कि पिछला पंचायती चुनाव साल 2011 में करवाया गया था। जिन इलाकों में पंचायती चुनाव का सिलसिला में वोट कर लिया जा रहे हैं, सरकार की तरफों उन इलाकों में छुट्टी को ऐलान किया गया है। एक सरकारी तर्जमान ने किया है कि उन मुलाजमों ने खसूसी छुट्टी दी जाएगी जिन्हें अपनी ड्यूटी तो दूसरा इलाका में वोट करने वास्ते जाना पड़ेगा। मरकजी सरकार का दफ्तर में छुट्टी नहीं वेगी, लेकिन जिन मुलाजम ने वोट करने वास्ते जाना वेगो उन्हें वोट करने वास्ते खास सहूलत फराहम करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि वह भारतीय आयन की दफा 370 व सुनवाई अप्रैल 2019 में करेगी। जस्टिस चंद्राचूड और जस्टिस एम आर शावर मुश्तमिल एक बेंच ने यह गल उस वक्त कही जब भारतीय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत में पेश हो गए मामला ना आगे करने की दरखास्त की। जिना वेणुगोपाल के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल यह मुकदमा सुन के मौकफ नहीं है। गवर्नर का सलाहकार जनाब के विजय कुमार ने गुजश्ता रोज एक मीटिंग तलब करके तिब्बी महकमा का आला अफसर नाल बेहतर सेहत सहूलियत फराहम करवाने का मुद्दा पर गलबात की। इस मीटिंग के दौरान सेहत खिदमात न बेहतर बनाने वास्ते कई इकदाम पर सोच विचार की गयो। मीटिंग के दौरान नवा डॉक्टर की तुकर्री, नीम तिब्बी अमला की परथी, हस्पताल की गुंजाइश बधान और बेहतर तशखीसी आला की जरूरत पर जोर पायो गयो और कियो गयो कि ये तमाम तरचीज जल्द अज जल्द मुहैया करवाने की कोशिश की जाएगी। सेक्रेटरी सियाहत रेगजन सैम्फुल ने ट्रेवल मार्ट जम्मू खिता का बड़ी सफर और सियाहत नुमाइश को जम्मू में गुजश्ता रोज इफ्तिताह कियो। इस बड़ी तकरीब में जम्मू ते कश्मीर सियाहत, गुजरात सियाहत, झारखंड सियाहत, मगरबी बंगाल सियाहत, गवा सियाहत ते दीगर सियाही महकमा ने भी इस मौका पर जम्मू कश्मीर नाल तआवुन कियो। अजय गुप्ता डायरेक्टर आईटीएम ने कहा कि आईटीएम जम्मू का गाहक खसूसी तौर दिता जा रहा सियाही पैकेजों को फायदों भी जा सकेगा और यह खसूसी पैकेज सियाहत नवाजुद्दीन वास्ते दिता जा रहा है। मरकजी खवातीन और बच्चा तरक्यात वजारत ने गुजश्ता रोज पूरा मुल्क में जिना बिल जबर और छोटा बच्चा नाल गलतकारी का मुकदमा का निपटारा वास्ते फास्ट ट्रैक अदालत कायम करने की मंजूरी दे दी है। एक सरकारी तर्जमान के मुताबिक कानून और इंसाफ की वजारत ने इस बारे खवातीन और बच्चा तरक्यात वजारत ने लिखियो थो और यह तजवीज वजारत ने मंजूर कर ली है। इस पूरा प्रोजेक्ट 763 करोड़ रुपये को खर्चो आवेगो। पहला मरहला में 777 अदालत कायम की जाएगी जेडी के 9 रियासत मेगी और दूजा मरहला में 246 अदालत बनाई जाएगी। इसके नाली खबरों को ये बुलेटिन खत्म हुआ।